लोगों ने कहा अब हमारे अगले पीडीआर कौन होंगे, तो सर्वसम्मति से एक फैसला हुआ कि हमारे अगले पीडीआर ललित सिंह यादव होंगे, जिन्हें उत्तर भारत का पीडीआर कहा जाता है। लेकिन ललित सिंह के बाद में कोई पीडीआर नहीं हुआ, लेकिन बुद्धिजीवी लोगों के बीच में पीडीआर आज भी जिंदा है और आज हमारे बीच में पीडीआर भाई शकील प्रेम जी हैं। ऐसे पीडीआर के लिए जोरदार तालियां मैं चाहूँगा, चाहे एक मिनट को आए, वो चले गए, थोड़ा दूर रहते हैं। हम लोग उन्हें पीडीआर के नाम से संबोधित करते हैं, जिस तरह वो रामास्वामी पीडीआर के कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं। और जैसा शास्त्री जी ने अभी आदेश दिया, एक गीत बहुत जल्दी आपको मैं दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब बाबा साहब को पढ़ने के लिए सायजी गायकवाड़ ने छात्रवृत्ति दी और वो छात्रवृत्ति बीच में ही खत्म हो गई, बाबा साहब लौट कर आ गए और ये बात सायजी गायकवाड़ के दामाद यानी कि छत्रपति साहू जी महाराज को पता चली, तो साहू जी महाराज बाबा साहब के घर आया, दरवाजा खटखटाया और बाबा साहब और उनकी पत्नी खोचक के रह गए कि हमारे घर पे महाराज आए हैं। तो साहू जी महाराज ने कहा कि फेन रमा, मैंने सुना है तुम चाय बहुत अच्छी बनाती हो और मुझे एक चाय पीनी है, इसलिए मैं आया हूँ। उधर माता रमाबाई ने चाय बना दी, बाबा साहब और साहू जी महाराज चाय पी रहे हैं और चाय पीते हुए साहू जी महाराज कहते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर आप पढ़ाई छोड़कर वापस क्यों आ गए? तो बाबा साहब ने कहा कि महाराज मेरी छात्रवृत्ति खत्म हो गई, पैसे थे नहीं तो मुझे वापस आना पड़ा, अब कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे ही कुछ पैसे मिल जाएंगे मुझे तो मैं अपनी पढ़ाई जाकर पूरी करूँगा। तो साहू जी महाराज ने तुरंत अपने जो और साथी थे उनको बुलाया और 13,000 बाबा साहब के हाथ में पैसे दिए और कहा कि अपनी पढ़ाई पूरी करके आओ और इसे छात्रवृत्ति मत समझना, ये आपको दे दिया, आप पढ़ाई पूरी करके आओ और जब पढ़ाई पूरी करके आ जाओ तो ये समाज आपको बड़ी निगाहों से, भरी हुई निगाहों से देख रहा है और इस समाज का कल्याण करो, क्योंकि मैं लोगों से कहता हूँ कि अब तुम्हें आने वाला एक नेता तुम्हें मिल गया है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है, ये साहू जी महाराज ने कहा। तो साथियों, बाबा साहब को जो छात्रवृत्ति मिली थी या जो सहयोग राशि पढ़ने के लिए मिली थी साहू जी महाराज ने दी, उसकी कीमत बाबा साहब ने अपने 4-4 बच्चे गवाकर सूद के साथ नहीं, कई गुना सूद के साथ लौटाई। बाबा साहब ने किसी का खाकर दरकार नहीं ली, उसे हजम करके और 4 गुना 6 गुना 10 गुना लौटाया। लेकिन मुझे हाथ उठा के ये बता दो, कौन सा यहाँ साथी है जिसने वजीफा ना लिया हो? हाथ उठा के मुझे बता दो, उठाओ, कौन हाथ उठाएगा कि मैंने वजीफा नहीं लिया? और मुझे अब हाथ उठा दो कि जी मैंने वजीफा लिया, बताओ किस किसने वजीफा लिया है? सबने वजीफा लिया है, लेकिन तुम्हारे अंदर का जमीर कब जगेगा कि जब बाबा साहब ने 13,000 का आज तक इतना चुकाया है और हमने भी बाबा साहब की वजह से कुछ चंद रुपए का वजीफा पाया है तो हम कब लौटाएंगे? एक बात और आपको बता देता हूँ, गांव में कुत्ते होते हैं, वो कुत्ते घर घर जाकर रोटी मांगते हैं और जिस घर में एक दिन रोटी नहीं मिलती लात मिलती है, डंडा मिलता है, दूसरे दिन भी रोटी नहीं मिलती लाठी मिलती है, डंडा मिलता है, तीसरे दिन भी रोटी नहीं मिलती तो कुत्ता उस घर में नहीं जाता जहाँ रोटी नहीं मिलती उसे लाठी डंडे मिलते हैं। पता है क्यों नहीं जाता? जानते क्यों नहीं जाता? उस कुत्ते का जमीर जाग जाता है कि मुझे इस घर में रोटी नहीं मिलती, इसमें जिल्लत मिलती है, मुझे लाठी मिलती है, लेकिन आप और हम रोज लाठी खा रहे हैं पीछे, लात खा रहे हैं पीछे, लेकिन जा वही रहे हैं। एक कुत्ते का जमीर जाग गया, लेकिन तुम्हारा कब जागेगा? कितना गिरा हुआ जमीर है। बाबा साहब ने 13,000 का आज तक चुका रहे हैं, हम उनका खा रहे हैं और तुमने जो बाबा साहब का वजीफा लिया कब चुकाओगे? वादा करो कि बाबा साहब तुम्हारी वजह से वजीफा मिला हम यहाँ बढ़े, जीते जी अगर हम नौकरी कर रहे हैं या कमा रहे हैं या बिजनेस भी कर रहे हैं तो किसी एक गरीब बच्चे को जरूर पढ़ाएंगे। बाबा साहब ने क्या किया? जिन्हें सिखाया आपको गीत के माध्यम से देता हूँ, बड़ा सुंदर गीत है शास्त्री जी की फरमाइश है कि अच्छा गीत, तो मैं आपको बहुत अच्छा गीत देने की कोशिश करूँगा, बहुत अच्छा गीत। भैया उठा देना पूरा है, फॉलो पहले की तरह उठा दो, बहुत अच्छी कव्वाली है, एक बार जोरदार तालियां साउंड वाले भैया के लिए, बहुत अच्छा चला रहे हैं, थोड़ा उठा दो, पूरा उठा दो, बहुत अच्छा गीत सुना। कैसे बना दिए?
बोलिए। शोषितों को तुमने सिखाया है जीना, भीम प्रवीणा। शोषितों को तुमने सिखाया है जीना, भीम प्रवीणा। पत्थरों को तुमने बनाया नगीना, भीम प्रवीणा। पत्थरों को तुमने बनाया नगीना, भीम प्रवीणा। शोषितों को तुमने ये क्रांति
भीम प्रवीण।